अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये देखें अंधार आंधी आने वाली है। आंधी मुझे लगता है कि शदीद होगी, क्योंकि जो बादल हैं मुकम्मल तौर पर जगह बाद दिख रहे एक ही तरह से आ रहे हैं, यानी कि एक बादल उसके ऊपर दूसरा बादल फिर दूसरा बादल। तो देखते हैं ये क्या करती है। मौसम ऊपर तो बिल्कुल साफ है और ये आंधी, ओए उस्ताद जी क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये खुदा का एक कुदरत करिश्मा होता है कि अल्लाह ताला जब चाहता है बादल भेज देता है, बरसा देता है, जब चाहता है कोई और काम कर देता है। ये देखें कि अभी अंधारा हो जाएगा, यानी कि अभी मौसम और रोशनी बिल्कुल क्लियर है तमाम तरफ से। जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ और मेरे पीछे जो जानवर खड़े हुए हैं बिल्कुल क्लियर हैं, लेकिन जब ये आ जाएगा मुकम्मल छा जाएगा तो फिर मैं आपको मंजर दिखाऊँगा कि उसमें क्या होने वाला है। हवा अभी शुरू हो चुकी है और हवा लगनी शुरू हो चुकी है, इसका जो असर है वो शुरू हो चुका है। तो देखते हैं कि ये क्या करता है। नाज़रीन वो दरख्तों से देखें, वो हवा जो है गर्द गुबार उड़ाना शुरू कर दी है हवा ने, तो अभी तक मेरे पास पहुंच जाएगी तो आप ख़ुद भी देखना। बादल मेरे सर पर नार पहुँचाए, यानी कि मेरे सर के ऊपर पहुंच चुका है बादल। ये देखें अब बहुत ही यानी कि तेज़ हवा शुरू हो चुकी है। अब देख सकते हैं मुझे तेज़ हवा शुरू हो चुकी है आहिस्ता आहिस्ता चलना। तो जब ये फुल चल जाएगी तो फिर देखना बच्चे धो लेने के लिए जा रहे हैं और मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ। दरख्तों ने भी उलना शुरू कर दिया है। पहले आज बहुत गर्मी थी, इतनी शदीद गर्मी के मैं कहता हूँ कि बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल था, यानी कि सर के ऊपर जब सूरज की तपिश पड़ती थी तो चक्कर आने लग जाते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने रहम किया है हम के ऊपर के ये देखें अब माशाल्लाह मुझे लगता है कि बस काफ़ी अंधेरा छा चुका है, अंधेरा काफ़ी छा चुका है। ये देखें अंधार ने आंधी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। तो अभी तक तो मैं बाहर ही खड़ा हुआ हूँ और बादल जो है क्रॉस कर गए हैं, सिस्टम जो है वो सारा क्रॉस हो चुका है।